दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। आज 22 सितंबर को इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट आपसे बात करने जा रहा हूं मैं, वो है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम का मतलब है किसी भी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे की सफलता के लिए तीन लोगों का अहम रोल है। सबसे पहले स्टूडेंट, संस्था और अभिभावक। तो तीनों का जो त्रिवेणी संगम है, यह जब एक अच्छा हो तो बच्चा सफल होता है। मैं सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि सफलता का ये कतई अर्थ नहीं है कि आपका जेई या नीट में सिलेक्शन होना या ना होना, कोई लिंक नहीं इसका। जेई में सिलेक्शन होना, नीट में सिलेक्शन होना सफलता का आधार नहीं है, और इनमें सिलेक्शन नहीं होना असफलता का आधार नहीं है। एक प्रैक्टिकल बात है, जो भी बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है उन सबका सिलेक्शन नहीं होना साहब, सीट ही नहीं है इतनी। सिलेक्शन हो गया तो सबको एम्स दिल्ली नहीं मिलना है, सबको आईटी दिल्ली नहीं मिलना है। अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग रैंक, अलग अलग कैटेगरी, कोई MBBS है, कोई आयुर्वेद है, कोई होम्योपैथी है, कोई BSc है, कोई RS है, कोई IES है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सफलता की बहुत परिभाषाएं साहब। एक बात गार्जियंस आपसे कहने जा रहा हूं कि बच्चे को आप इसलिए कोचिंग मत भेजो कि उसको सिलेक्शन करवाना है। बच्चे को आप इस मानसिकता से भेजो कि तेरे को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करते करते अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए काम करता है वो हमेशा कुंठित रहता है, एक काम करता है अपने आप पैसा आता है वो मस्त रहता है। दुनिया में दो ही लोग होते हैं, एक लोग काम को एंजॉय करते हैं, एक लोग काम को ढोते हैं। तो वही बात स्टूडेंट के साथ है। स्टूडेंट को क्या कहना है, गार्जियन आपका इसमें क्या रोल हो सकता है, इन सब बातों पे बात करने के लिए कल 23 सितंबर 2023 को शाम 6 बजे CLC में इस सेशन में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स के अभिभावक सादर आमंत्रित हैं। शाम 6 बजे CLC विजय ग्राउंड पे एक चर्चा होगी कि त्रिवेणी संगम, अभिभावक, संस्था और बच्चे मिलकर जिंदगी में सफलता कैसे पाए। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, नीट JEE NDA की सफलता की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी में हम अपने बच्चे को सफल कैसे करें। गार्जियन एक सबसे प्यारी बात सुन लेना, आपके अल्टीमेट आपका बच्चा ही काम आएगा। इसलिए हमारा बच्चा ही हमारी धरोहर है, वो हमारा एसेट है। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं 23 सितंबर 2023 शाम 6 बजे CLC विजय ग्राउंड पे। इस सेशन में चाहे वो KBM का बच्चा हो, चाहे प्री फाउंडेशन का हो, चाहे NDA का हो, चाहे फाउंडेशन का हो या टारगेट का हो, वो सारे बच्चों के अभिभावक, अभिभावक का मतलब जो भी घर के मुखिया है, मम्मी पापा दादा चाचा, कहीं मामा कहीं ताऊ, जो भी बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी सादर आमंत्रित हैं। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, आपके पास एक प्रॉब्लम आ सकती है, श्रवण सर शनिवार की रात को सीकर आएंगे तो रुकने की व्यवस्था क्या रहेगी, स्पीकर रहें, आपकी CLC है, वो सारी मेरी जिम्मेदारी है। एक बात, इस वीडियो को अन्य साथी भी देख रहे होंगे, सर हमारा बच्चा सीकर में पढ़ रहा है, आपकी संस्था में तो नहीं है, और कहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं भाई, मैं शिक्षक हूँ, मैं पेड हूँ, मेरा काम छाया देना है। सीकर में तैयारी करने वाले, या कहता हूँ नीट और JEE की तैयारी करने वाले, बोर्ड की प्रिपरेशन करने वाले जिनके भी बच्चे हैं, उन सभी के गार्जियंस 23 सितंबर 2023 शाम 6 बजे CLC के विजय ग्राउंड पे सादर आमंत्रित हैं। पर प्लीज़ समय का ध्यान रखना, हम एग्जैक्ट 6 बजे ये प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, कुछ गार्जियंस ने कल कहा कि सर आप इसको लाइव कर दें, हम घर देख लेंगे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस प्रोग्राम को हम लाइव नहीं कर पाएंगे। ये परिवार की बात है, व्यवस्थाओं की बात है, घर की मीटिंग है, घर की चर्चा है, और घर की चर्चा दोस्तों कहते हैं ना, चौपाल में नहीं की जाती है, लाइव पे नहीं की जाती है। तो हम लोग मिलते हैं कल यानी 23 सितंबर 2023 शाम 6 बजे CLC विजय ग्राउंड। जिनको अपने बच्चों को सफल करना है, जिनको घर में खुशियाँ लानी हैं, क्योंकि मैं ऐसे लोग देखा, मैंने एक 20,000 की तनख्वाह का आदमी बहुत खुश जीता है, एक 2 लाख वाला आदमी रोता हुआ देखा मैंने। दोस्तों हमारी मानसिकता क्या है, खुशियाँ इस पर डिपेंड करती हैं, न कि हम कितनी बड़ी नौकरी पे हैं, कितने बड़े बिजनेस में हैं, हमारी सैलरीज क्या हैं, इनका खुशियों से कोई संबंध नहीं है। हमारा एक ही है अल्टीमेट टारगेट, हम खुश रहें, मस्त रहें और साथ रहें। खुश रहें, मस्त रहें और साथ रहें, परिवार के साथ रहें। नमस्कार, जय CLC।